हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 8:30। जैसे आपने देखा कि रात को हम कंपनी में आ गए थे, तो अभी कोई आया नहीं अपने पास। तो गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पर काफ़ी अब मतलब स्टाफ आ गया और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी हम वाशरूम वगैरह हो गया है और वेट कर रहे हैं कि कब तक कोई आता है, कहाँ खड़ी करनी है। माल जो हमने लाया वो वहाँ पर ना बैक साइड में माल पड़ा हुआ वैसा ही रह के, अगर अभी खाली भी होगी तभी रात को निकलेंगे। तभी हम इतना बोल नहीं देखे बस कि अभी करो, कि आज की डेट में कर दे खाली। चलो यहाँ समझ नहीं आ रहा कौन सीनियर है, कौन खाली करवाएगा, कौन इंचार्ज है ना। गाड़ी कर दिया स्टार्ट, अभी बोला उन्होंने कांटा करवाओ, फिर साइड में खड़ी करो, देखते हैं कहाँ खाली करना है। यहाँ से रिवर्स ही जाना पड़ेगा वहाँ तक, क्योंकि टाइट जगह यहाँ पे बढ़िया था यार। सब वगैरह करके गाड़ी फटे उन्होंने खोल दिए, तो उन्होंने बोला फटे खोलो, तो गाड़ी यहाँ खड़ी रखी है। बोर्ड से बताएंगे कहाँ खाली करेंगे, तंग तंग सी जगह की वहाँ पे, उस तरफ से खाली करेंगे। अब पता चलता खाली करके ना फिर साइड खड़ी करते गाड़ी, फिर टेंशन नहीं होती, पता है रात को बाहर निकलेंगे। तो अभी बज रहे थे 11, तो मैंने सबसे पहले खाली करने के पॉइंट पे लगवा दे, फिर खाना बनाए। पर देखा यार इनका सिस्टम थोड़ा ढीला ही है, तो मैंने हम बोला थोड़ा खाना ही बना लेते हैं। अब दे मैं सब्जी काटता हूँ, चावल चढ़ाया था पहले तो सब्जी काट लेता। हमारा बंदा माल लेके आ गया भाई, यहाँ पे था कुछ सुबह से। अभी भाई 3 बजे आए, यहाँ यहाँ लगाओ गाड़ी, अब देखते हैं यार मत हो जाए खाली। आ यार टाइम टूटता है ना यार, खाली हो गया बस टेंशन करते हैं लोड का, फिर टेंशन रहेगी फिर लोड का होगा, बाहर हो जाएंगे यहाँ सिटी से रात को। तो यहाँ पे अनलोडिंग होना हो गया स्टार्ट, हमने माल गिनती करवाए थे। एक चीज़ है यार, टॉयलेट्स कम से कम साफ हैं, मैन वही होता है। अब गाड़ी होना शुरू की खाली से, जे शुरू बैठे हैं गाड़ी के ऊपर ही, तो वहीं चल के बैठते हैं। कंपनी में खुद कम शूट कर रहा हूँ, क्या पता कोई मना ही कर दे तो फ़ायदा ही क्या भाई। यहाँ से निकलेंगे रात को, चल जाएंगे ट्रांसपोर्ट पर, फिर देखते हैं सुबह होगी लोडिंग। यही ऐसे ही एंगल अपनी गाड़ी में आए। यहाँ पर ये क्रैन से खाली करने के चक्कर में, तो यहाँ पर ये बत्ते वगैरह खोलने पड़ेंगे हमको आराम से। तो ध्यान से रुकना पड़ेगा कि बॉडी को नुकसान ना कर दें यार, क्योंकि एंगल यहाँ से बाहर आ रखे ना। यहाँ का मौसम पूरा ना कश्मीर की तरह है। गौरव खोल रहा है बत्ते, अभी ये पाइपें जा रही हैं, इसके बाद ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा बीच से, फिर वो मशीन से उठाया जाएगा, उस मशीन से। ये रहने दे वीर, इन्हें नेट समझ रखे हैं यार, जिसने नेट कमजोर है ना यहाँ पे, वो नेट लाए थे ना नेवल रियासी से लिए थे उन्होंने नेट, वो लगाना मोटे वाले। मशीन से ये रिक्स रहता है ना कि खुद ध्यान नहीं दोगे ना तो खींच पहुँचेगी, ये वो लकड़ी है वो लोहा, मशीन में इतनी पावर है तो बॉडी भी तोड़ सकते हैं, नुकसान उठाने का फायदा ही चलेगा। पास में होगी आधी बॉडी पूरी छीनने की है ना, ये साथ में टच होती है यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे भी लगाया सीखो, ये तो नॉर्मल था, वो निकले ना फिर इसको निकालेंगे। अब इसके बीच भी माल पड़ा हुआ है, इसके बीच ना माल तो अलग बात है। एक तो निकल गया, फिर भी निकला है, अगर ये निकलेगा तो इसमें भी बेल्ट डालेंगे तो ये भी उठ जाएगा, सर्वो बटन खोलना पड़ेगा। एक वो लेके कि फिर से आ गई मशीन हाइड्रा, दूसरा लेने, इसके अलावा 2 और बचे, एक ये और एक ये, और ये बत्ता भी खोलना पड़ेगा। उठा रही है धीरे धीरे, पूरा कनेक्ट कर दिया। लोडिंग करने में पूरी दिन चला गया, मतलब कितना टाइम लगता था, यहाँ मशीन से कितनी चीज़ इजी हो जाती है खाली करना। जो मशीन उठा रही है ये लोडिंग करते कम से कम भी ना 1 घंटा लगा था, उससे भी ज़्यादा शायद, तो यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लगा खाली। आज साइडर ले जाएगी वो पार्ट, यहाँ पे खाली करके आएगी आग की मशीन फिर से, देखते हैं ये निकलेगा। क्योंकि बॉडी को अभी ये लगे भी नहीं होते ना ये चीज़, तो बॉडी को लग जाए तो वो लग गया। नहीं नहीं बच गया भाई, भी खोलना पड़ेगा वो, लग जाएगा लगा दे पीछे वाले, रहने दे कि वाले लगाते हैं ना बेल्ट से ही, खोल इसको। अभी भाई जोमेटो से मंगवाया था खाना, भाई गौरव की बात आ गई यार, कई बार हमारा मूड नहीं होता, हम खाना नहीं खाते तो बोलते हैं वीडियो में खाना नहीं मिला, खाना मिलता है बट कई बार मूड सिचुएशन ऐसी होती है, तो अभी भूख लग रही थी तो हमने जोमेटो से मंगवा लिया, कोई 450 का आया ये,
तो अभी खाएंगे खाना, फिर लोड तो खाली तो हो रहा है, रात के 7 और अभी थोड़ा सा रह गया लास्ट वाला माल अपना, उसका लगाएंगे बत्ते, तो फिर देखते हैं कांटा करा करवाएंगे, पहुंच लेते हैं। गाड़ी कर रही है, बात चल रही है अभी अपना लोड की श्रीनगर का, अगर फाइनल हो गया तो फिर लोड के निकलेंगे यहाँ से, 250-300 किलोमीटर खाली, सुबह होगी लोडिंग। अभी बज गए रात के 10 और पहले गाड़ी वहाँ लगाई थी, तो इनका कुछ काम, क्योंकि ये यहाँ पे ना काम डे नाइट चल रहा है भाई, अगर तो नाइट पे लेबर आ गई तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी साइड में लगवा दी, बोरे यहाँ पे लगा दो जहाँ से जहाँ मर्जी निकल जाना। तो हमको अभी मतलब 250 किलोमीटर जाना है, तकरीबन 3-4 बज जाएंगे, अभी 10 बजे हैं, तो वो कितने बोला 9:30 खुलती है, ये बोला 9:30 बजे खुलती है यार, कल हम आए थे बाहर से 11 बजे, 10:30 बजे आए थे, 11:30 बजे आए थे, कल हम 11:30 बजे, तो आज भी लेट निकलेंगे, पर आई रात को चलना पड़ेगा, जल्दी हो तो जल्दी पहुंच जाते, बट अब देखो कोई ट्रक वगैरह दिख भी नहीं रहा, और बाहर से बड़ा यार बड़ी टाइट सी सिटी है यार, बड़ा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सिटी में, रात को भी थोड़ा लेट निकलते हैं आधा घंटे के बाद। बैंगलोर सिटी से भाई बाहर निकलने का काम शुरू कर लिया, अभी काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका, बाहर निकला मानो 30 किलोमीटर, काफ़ी लेफ्ट राइट लेने पड़ेंगे, देखो आते तो हम आ ही गए थे, जाते भी चले जाएंगे, जाते खाली गाड़ी है कहीं इंसान घुमा लेता है, लोअर गाड़ी में तो दिक्कत रहती है, बाकी कोई चक्कर नहीं कि वहाँ ऐसी जगह जैसे कारों के रास्ता तो वहाँ ट्रक नहीं निकल सकते भाई, हाइट कम होती है वहाँ, वैसी जगह नहीं आनी चाहिए, बाकी तो कोई घुमा फिरा के इंसान निकाल लेता है। और हम आगे भाई सिटी से बाहर, ये NH 44, मतलब जी NH 44 है जो हम कश्मीर जाते, कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली, अब इसी में हम जाएंगे अनंतापुर तक, वहाँ से हमको जाना है 100 किलोमीटर पहाड़ बद्री के आसपास कहीं, वहाँ से लोडिंग है अपनी, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ पे ट्रक्स की लाइन ये वाली है भाई, तुम लाइन चेंज करो चालान कर सकता है। अभी यहाँ पे डीजल सस्ता है, देखो यार अपनी गाड़ी में सबसे मेन चीज़ है डीजल की बचत, महाराष्ट्र में शायद 94 है या 95 है, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे पंजाब में ऑलमोस्ट सेम है, कर्नाटक में यहाँ से टैंकी फुल करवाएंगे तो अपनी गाड़ी पंजाब तक पहुँच सकती है, थोड़ा डालना पड़ेगा। नहीं यार पंजाब से हम फूल करके बेंगलोर पहुँच गए थे, नहीं यार पीछे डाल रहा तेल आते हुए, थोड़ा डालना पड़ेगा, नए पंप है ना भाई, आप यहाँ पे हो नहीं खुद ही डालो तो सही है, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 87 रुपीस, मतलब सही है यहाँ का और पंजाब का, कहीं जगह 90-85 भी डालना पड़ता है यार, यहाँ लगती है दिल पे 1,000 रुपये का फ़र्क हो, अब देखो 400 लीटर तेल पड़ेगा, 1 रुपये का फ़र्क हो 400 रुपये, अगर 10 रुपये का फ़र्क हो तो भाई कहाँ जाएगा हिसाब करना, अभी यार देखते यहाँ पे कितना दिन पड़ता है अभी। तो डीजल डांस डाल दिया भाई, टैंकी कर ले फूल, अब यहाँ से अनंतापुर दिखा रहे हैं 180 किलोमीटर मानो बाईपास से हमें लेना, 100 किलोमीटर उसके आगे भी होगा, मतलब पहाड़ बद्री के पास जो लोकेशन है वहाँ के जाना है, जाने के रास्ते एक दो और हैं बट वो सिंगल रास्ते हैं तो वहाँ से नहीं जाएंगे, जहाँ से हम जा रहे हैं वो हमको 17 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, बट भाई हम यहाँ से ही जाएंगे यार लंबे से ही, अभी NH 44 से रजेश लगा गाड़ी पहाड़ बद्री तक, मैं 2 घंटे करूँगा आराम, उसके बाद फिर ये करेगा तो फिर गाड़ी पहुँच जाएगी, कल का दिन तो लोडिंग है, कल तो भी कोई टेंशन नहीं, दिन में इंसान सो सकता है, मिलते हैं कैमरे ब्लॉक, कल हो जाएगी लोड गाड़ी तो मस्त वापस कश्मीर, वहाँ से सेफ अब चल पड़ा अच्छे से।